अखिल भारतीय विश्वविद्यालय इकाई ने पिंक पैटल पर छात्र आवासों को सुचारू रूप से खोलने के लिए दिन भर हस्ताक्षर अभियान चलाया। विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्रों ने आवासों को खोलने की मांग को समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए। इकाई मंत्री विशाल सकलानी ने कहा कि बार बार विश्वविद्यालय खोलने के आग्रह करने पर भी विश्वविद्यालय खोलने को लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए विवि को विभाग क्रमानुसार खोला जाना चाहिए। इसके साथ साथ छात्रावासों को भी खोला जाए ताकि छात्रों को आवास संबंधी अतिरिक्त और खर्चीली व्यवस्था के लिए ना दौड़ना पड़े और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई जारी कर सके। नमस्ते, विशाल सकलानी, एवीपी एचयू इकाई अध्यक्ष। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले 11 महीनों से हमारी जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय का वो बंद पड़ा था। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुली है। इन 11 महीनों में जो स्टूडेंट था उसका जो बेसिक राइट था, एक बुक इशू कराने तक का, वो राइट तक उसको नहीं दिया गया था। ऐसे में एक लंबी लड़ाई के बाद विद्यार्थी परिषद के आंदोलन की जीत हुई, वो हम सबके सामने है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स अभी भी आम स्टूडेंट्स के लिए बंद है। तो वहीं हम देखते हैं विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स, वो हॉस्टल्स भी अभी तक स्टूडेंट्स के लिए बंद है। हर एक स्टूडेंट जो है वो 5,000 से लेकर 10,000 का कमरा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट का वो अभी तक घरों में है, जो वेट कर रहा है कि कब यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं, जो बंद पड़े दरवाजे हैं उसके लिए खुलेंगे, कब हॉस्टल के दरवाजे हैं उसके लिए खुलेंगे, ताकि वो आके विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। इसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद का सिग्नेचर कैंपेन ईवीपी एचपी द्वारा चलाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मुख्य डिमांड्स हमारी यही है कि विश्वविद्यालय के जो अधिकांश जो डिपार्टमेंट्स बंद पड़े हैं उनको सभी स्टूडेंट्स के लिए खोला जाए। साथ ही साथ जो हॉस्टल्स बंद पड़े हैं विश्वविद्यालय के, उनको फेज वाइज मैनर में खोला जाए। फेज वाइज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं एकदम से अगर स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स आएगा तो हो सकता है उसको स्मूथली हैंडल ना किया जा सके, लेकिन फेज वाइज जब वो होगा तो उस चीज को हम स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी परिषद की मुख्य डिमांड है और इसमें विद्यार्थी परिषद का प्रयास है कि ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट एवीपी का, ये सिर्फ एवीपी का मूवमेंट ना रहकर आम स्टूडेंट का मूवमेंट बने और इसके लिए बढ़ चढ़कर जो हर एक स्टूडेंट अपनी वॉइस ओपिनियन अपना ओपिनियन वॉइस करे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी और अन्य माध्यम से हो। तो यही हमारा प्रयास है कि हर एक अथॉरिटी तक हमारी आवाज पहुंचे और स्टूडेंट की वॉइस है जो काफी लंबे समय से वेट करें कि यूनिवर्सिटी खुले, उनकी वॉइस को दबाकर ना बल्कि उसको उठाकर जो अथॉरिटी के सामने रखा जाए। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान की रिपोर्ट।